ओवररेटेड हाँ। कार्तिक आर्यन को तुम ओवररेटेड समझते हो राइट। देखो बात ओवररेटेड होने की नहीं है। ओवररेटेड तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने बेकार में ही प्रायोरिटी देकर रखी है, जैसे इंस्टाग्राम पर लड़कियां, पता नहीं ऐसा क्या करती हैं लेकिन इतने सारे फॉलोअर्स। देखो कार्तिक आर्यन ओवररेटेड हो या ना हो, लेकिन तुमको एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि जिस बॉलीवुड में नए एक्टर की एंट्री होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हर लोगों की हालत खराब हो जाती है बॉलीवुड में एक छोटा सा रोल पाने के लिए भी। और अगर तुमको डाउट है तो भाई पूछो ना मनोज वाजपेयी से, पंकज त्रिपाठी से और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर से। बिजी नहीं था इसलिए दिमाग खाली, दिमाग करे तो क्या करे, कहाँ जाऊं मैं, तो स्टूडियो स्टूडियो घूमता रहता था। 93 to 97 those were not Great years. जिस बॉलीवुड में तुमको 2-4 मिनट के लिए रोल पाने के लिए भाई कितने सालों की कड़ी तपस्या लगती है, उस बॉलीवुड ने कार्तिक आर्यन को इतना आसानी से कैसे अपना लिया। उसकी लगातार फिल्में आ रही हैं, उसकी कई अपकमिंग मूवीज हैं। डरता नहीं है दुश्मनों से। ये बात तो सोचने वाली है ना, मतलब कुछ तो खास है भाई कार्तिक आर्यन में। और अगर कार्तिक आर्यन की हम फैमिली की बात करें तो उनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, मतलब बॉलीवुड से तो कोई रिश्ता नाता नहीं। और कार्तिक आर्यन तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो तो इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग के उन क्लासेस को बंक करके कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के ऑडिशंस दिलाते थे। मेरे को बाहर से रिजेक्ट कर दिया था। उस टाइम पर हमारे इंजीनियर साहब ने मॉडलिंग करियर को चुना था और वो फिल्मों के लिए ऑडिशंस दिलाया करते थे, लेकिन 3 सालों तक वो लगातार हर ऑडिशंस में फेल होते गए। लेकिन इसके बाद इंजीनियर साहब ने एक्टिंग का एक कोर्स किया और सोचो इसके बाद क्या हुआ, उनको फिल्म मिल गई। यस, जब वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे तब बॉलीवुड में उनका डेब्यू हुआ 2011 में प्यार का पंचनामा मूवी से। सोचो भाई फाइनल ईयर में इनको बॉलीवुड में मिल गया और हम लोग बस डिग्री लेके निकलते गधों की तरह। खैर, जो प्यार का पंचनामा मूवी थी वो कार्तिक आर्यन के लिए गुड लक साबित हुआ। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम ये है कि अब उस फिल्म में 3 कैरेक्टर थे और तीनों पर इक्वली फोकस किया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 कैरेक्टर का ही करियर बन पाया। सबसे पहला तो अपने इंजीनियर साहब और दूसरा दिव्येंदु शर्मा, जिसको तुम मुन्ना भैया के नाम से जानते हो, जलवा है हमारा। और तीसरे वाले को तो यार किसी ने पूछा ही नहीं बेचारे को। खैर, प्यार का पंचनामा जैसे ही खत्म हुआ फिर होती है आकाशवाणी 2013 में और आती है फिर कांची मूवी 2014, लेकिन ये दोनों मूवीज फ्लॉप रहे। उसके बाद 2015 में अगेन ये प्यार का पंचनामा करते हैं लेकिन नंबर 2। दारू के बाद मेरे को चाबी तक छूने नहीं देता और रुचि का बर्थडे था इसलिए टीना मैडम 120 पे गाड़ी भगा रही थी और तू पीछे की सीट पर रोमांस मार रहा था। और उसके बाद यार 2-2.5 सालों तक इनको कोई मूवी ही नहीं मिली। और फिर आई 2018 में सोनू के टीटू की स्वीटी। बात सिर्फ इतनी सी है टीटू, या तो ये या मैं। और इस मूवी की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के बाद इनको अगेन एक ब्रेक थ्रू मिलता है और फिर ये नजर आते हैं लुका छुपी मूवी में। आज पानी ना सर का ऊपर हो गया, फिर भी ना डूब रहा तू? ए सूखी लकड़ी हूँ, नहीं डूबूंगा, चल तो सकता है ना। और इसकी भी सक्सेस के बाद ये नजर आते हैं पति पत्नी और वो, और इसकी भी सक्सेस के बाद ये 2022 की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आते हैं, भूल भुलैया 2। देखो मानो ना मानो, कार्तिक आर्यन बहुत ज्यादा गुड लक के साथ पैदा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए प्यार का पंचनामा बॉलीवुड में सक्सेसफुल हुआ, उनको एक ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद जो 2 मूवीज आई वो फ्लॉप रही, लेकिन फिर और 2 फिल्मों के साथ आते हैं और अगेन इनका गुड लक शुरू हो जाता है। और अगर भूल भुलैया 2 की बात करें, देखो अगर तुम कंपेयर करते हो ना भूल भुलैया मूवी से, तो फिर तो वहाँ पे गलत बात है, क्योंकि उसका लेवल कुछ अलग ही है। लेकिन भूल भुलैया 2 अपने आप में काफी बेटर मूवी थी और इस पे भी कार्तिक आर्यन का गुड लक काम कर गया। जैसे 2022 ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में बायकॉट वाला सिस्टम चल रहा था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मूवी फ्लॉप जा रही थी, लेकिन कार्तिक आर्यन ये तो गुड लक के चम्मच के साथ पैदा हुआ है। भूल भुलैया 2 उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक थी। उसके बाद अगेन कुछ मूवी जैसे धमाका और फ्रेडी, वैसे फ्रेडी नाम सुनने के बाद सीआईडी का वो पॉपुलर कैरेक्टर याद आता है। इसके बाद आई सत्य प्रेम की कथा और फिर चंदू चैंपियन। डरता नहीं है दुश्मनों से। देखो वैसे इनकी कुछ और मूवीज हैं जैसे 2017 में गेस्ट इन लंदन, साथ ही 2020 में लव आजकल, और उसके बाद 2023 में अल्लू अर्जुन की एक पॉपुलर फिल्म अल्ला वेकुंठपुरम की रीमेक सहजादा, अल्लू अर्जुन की कॉपी है। खैर देखो जो भी हो, कार्तिक आर्यन को लेकर कमाल की बात ये है कि उसमें ओवररेटेड और टैलेंट का तो पता नहीं, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो कि बॉलीवुड में अब तक उसका साथ दे रही है। तुम्हारे सर पे ना धर्मा का हाथ है ना यशराज का हाथ है, फिर भी स्टार बनके एंटरटेनमेंट की रात में आ गए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बट नो डाउट कार्तिक आर्यन इज अ वेरी गुड एक्टर। कार्तिक आर्यन को लेकर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कॉफी विद करण में कृति सनन ने कार्तिक आर्यन को बाकी एक्टर से कार्तिक आर्यन को थोड़ा सा कम टैलेंटेड बताया। Rank them in order of talent: Kartik, Varun, Ayushman, Sushant, Tiger. Sushant,
वरुण, कार्तिक। और इतना ही नहीं, अगेन उसी टॉक्सिक शो पे बादशाह ने कार्तिक आर्यन को ओवररेटेड बोल दिया। यू नेम एन ओवररेटेड एक्टर कार्तिक आर्यन। और इसके बाद कार्तिक आर्यन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप किसी बॉलीवुड एक्टर को ओवररेटेड मानते हो, तो उसका कहना था कि किसी भी एक्टर को हम ओवररेटेड कैसे बोल सकते हैं। पीपल हैव कॉल्ड यू ओवररेटेड ऑन दिस काउच। सर कोई ओवररेटेड क्यों बोलेगा किसी को? हू कॉल्ड मी ओवररेटेड? बादशाह। तो कहानी बस यही है। तो देखो, मैं कार्तिक आर्यन को ओवररेटेड कभी नहीं समझता। मैं बस ये मानता हूँ कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर, और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए।